बेगूसराय के छौराही प्रखंड क्षेत्र के एजनी पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 4 के निवासी निर्मला कुमारी एवं कविता कुमारी ने पंचायत के मुखिया लक्ष्मी यादव पर शंका जाहिर करते हुए आशा कार्यकर्ता चयन में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी छौराही को आवेदन देकर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ चयन कराने एवं चयन पत्र प्रदान करने को लेकर गुहार लगाई है। लगाते चले कि महिलाओं का मुखिया के प्रति अविश्वास होना लाजमी है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता चयन में चिकित्सा पदाधिकारी का होना अनिवार्य बताया गया। दूरभाषा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी कमलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आशा कार्यकर्ता चयन में मेरा होना अनिवार्य है। हमें कोई मुखिया द्वारा सूचना नहीं दिया गया था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। जो भी होगा पारदर्शिता चयन प्रक्रिया में होगा। जिस वार्ड में पद रिक्त है उसी वार्ड के लाभार्थी को चयन दिया जाएगा। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए छौराही से हेमकांत सिंह की रिपोर्ट। हम लोग को कार्यकर्ता आशा के काम के लिए मुखिया ने अति कागज दिया। हो सकता है डाउट कि दूसरे वार्ड को भी बहाली कर देंगे। इसके बारे में जानकारी किसी को दिया? हाँ, दिए डॉक्टर को। आपका नाम? कविता कुमारी। पति? पप्पू कुमार दास। घर? बेंगा। पंचायत? अजनी। प्रखंड? छौराही। जोर। 12 जनवरी को मुखिया आशा कार्य के लिए हम लोग कागज दिए। उसमें कागज लक्ष्मी मुखिया ने कागज लेके चला गया। डॉक्टर बोला कि हमको उसमें रहना अनिवार्य है, लेकिन उनसे पूछे हम तो बोला नहीं, मैं नहीं था वहाँ पर। तो चयन पत्र आप लोगों को दिया गया? नहीं, चयन पत्र उसमें आम सभा में नहीं दिया और लेके चला गया। और हम लोग मतलब हो रहा है, शक हो रहा है कि 4 वार्ड नंबर को दे सकता है, मतलब चयन पत्र दूसरे वार्ड वाले को भी हाँ। मिल सकता है। आप लोगों को नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब आपको आप लोगों को है कि गलत हमारे साथ हो सकता है? हाँ, हमारे साथ गलत हो सकता है। आपका नाम? निर्मला कुमारी। पति? संजय कुमार दास। घर? बेंगा। पंचायत?